भाई आज तुम एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ जो बैकग्राउंड रिमूव के लिए वो रिमूव हो कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। भाई टेम्पलेट उसका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छा अच्छा आता है, ठीक है ना। मैं इसका दिखाता हूँ, इस वेबसाइट को ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम देख लेना, थोड़ा बहुत देख लेना भाई, बहुत बढ़िया तरह से काम करता है। भाई मैंने आडा फोटोशॉप यूज करा है भाई, वो खोलने वो भी कंप्यूटर में चलता है, वो भी टाइम भी लेता है बहुत ओपनिंग करने में। भाई ये फ़ोन में चल जाता है, बहुत अच्छा तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर देता है, ठीक है ना। उसका भी एप्लीकेशन आता है अभी, ठीक है, मैं सारा लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तुमको देख लो, थोड़ा यूज कर लो, थोड़ा तुम्हें अच्छा लगे तो तुम डाउनलोड कर देना, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ भाई, बैकग्राउंड बहुत तरह बढ़िया तरह से करता है, रिमूव करता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इस पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इसको रिमूव बैकग्राउंड करता हूँ, ठीक है ना। टेम्पलेट आता है भी बहुत, ये देख लो टेम्पलेट ब्लॉर कर सकते हो और बैकग्राउंड आता है और सॉलिड कलर भी आता है, देख सकते हो ना, देख लो ऊपर ऊपर बैकग्राउंड आता है, नीचे में बैकग्राउंड भी आती है, नीचे भी नीचे सॉलिड कलर आता है और ऊपर आता है पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड जो सीनरी वाली, ठीक है। अभी मैं एक बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ, उसके बाद देखा देख लो थोड़ा कैसा दिखती है फोटो, ठीक है। देख लो बैकग्राउंड कितना क्लियर भाई, उसका जो बेबी किड्स का जो हेयर है ना उसमें भी देखा देख लो थोड़ा भाई, भाई बढ़िया तरह से रिमूव करता है, ठीक है ना। ग्रेप्स द्वारा हुआ है, देख लो साइड वाइज बहुत अच्छा तरह से रिमूव करता है बैकग्राउंड, ठीक है ना, देख लो। उसको ऊपर जो नीचे दिया हो इसको डाउनलोड कर सकते हो और गैलरी में रह जाता है, ठीक है ना। इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ कैसा डाउनलोड होता है, देख लो बैकग्राउंड देख लो भाई, हेयर को देख लो, हेयर के जो ऊपर भाई एड्स में तो बहुत बढ़िया तरह से रिमूव करता है, ठीक है ना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर देना, ठीक है, थैंक यू।